हरियाणा प्रदेश की कृषि पशुपालन मत्स्य एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक चर्चा लगातार हो रही है सर, राजस्थान चुनाव का डंका बज चुका है, राजस्थान में आप जो है लगातार जा भी रहे हैं। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि 3 राज्यों में कांग्रेस जो है काबिज होगी, और आप लगातार कहते आए कि 5 के 5 राज्यों में। कल हमने बात की थी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी से, उनका भी कहना था 3 राज्यों में सीधी जीत है और मिजोरम और तेलंगाना में उनके सहयोग से, यानी आप लोगों के सहयोग से सरकार बनेगी, क्या कहिएगा? ये राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ, राजस्थान के बारे में मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वहाँ कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कांग्रेस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, और जो झूठ बोल कर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी उससे लोग जो बड़े आक्रोशित हैं, और जो मोदी जी ने काम किए हैं कोरोना के टाइम में, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं, वो डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। और जिस तरह की योजनाएं किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए हरियाणा सरकार ने की है, हमारा पड़ोसी क्षेत्र भी अच्छी तरह से देख रहा है कि कोई चीज़ चाहता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी है। SOIL के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जब सरकार आएगी, उनकी सरकार आते ही त्वरित समाधान, अविलंब समाधान कर दिया जाएगा। किस तरह का समाधान, किस तरह की चाबी है उनके पास? भूपेंद्र सिंह जी के पास 10 साल सरकार रही है, उन्होंने उस वक्त उन्होंने SOIL के लिए कोई काम नहीं किया। SOIL की माननीय उच्चतम न्यायालय में पैरवी की है, हमारी सरकार ने की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, और उसी का परिणाम है कि आज उच्च न्यायालय ने कल टिप्पणी की है इस नहर का निर्माण कराए, वरना उसको सख्त आदेश पास। पराली जलाने के मामले अभी भी थम नहीं रहे हैं सर, हालांकि विगत की अगर तुलना करें, विगत के 2 वर्षों की तुलना करें, 24% मामलों में कमी आई है, गिरावट आई है। सरकार के प्रयास आप पर्याप्त मानते हैं क्या, और कितने प्रयास किए जाने की जरूरत है इस मामले में? देखिए 30-35 लाख एकड़ जमीन के अंदर धान की खेती करते हैं, सारी छोटी मोटी करके 500 के आसपास घटनाएं घटी हैं, और हमने मशीनरी दी है, लोग शिक्षित किया है किसानों को, और इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा का किसान समझ चुका है, पराली का हम लाभदायक मूल्य भी देना शुरू कर दिया है, और जो जो किसान को सुविधाएँ चाहिए मशीनरी वो दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर सबसे कम घटना है पराली जलाने। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता है, बढ़ता जा रहा है सर, प्रदूषण का सत्र जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कैसे रोका जा सकता है? किसानों को बेवजह बदनाम करने की कोशिश ना करें, प्रदूषण जो है उसके अनेकों कारण हैं, और उसके लिए सब सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, और किसानों पर दोषारोपण करना उचित नहीं है, किसान को ज्यादा प्रदूषण नहीं बढ़ाते। हरियाणा में आपका गठबंधन दल JJP राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ रहा है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, क्या माना जाए गठबंधन नहीं होगा वहाँ पर? सभी पार्टियों को अपने चुनाव लड़ने का हक है, और हमारे यहाँ गठबंधन सरकार चुनाव के बाद हुआ है, चुनाव के वक्त हमारा गठबंधन यहाँ भी नहीं था। अब मैं जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन सरकार वहां भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पंडित रामविलास शर्मा कहते हैं 136 सीटें जीतेंगे, ब्राह्मण के बोल हैं जो है, आपको क्या लगता है 136 सीटें राजस्थान में? रामविलास शर्मा जी की कहना लगभग ठीक है, इसी के आसपास रिजल्ट आएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रदेश के कृषि किसान कल्याण एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका दावा है कि राजस्थान ही नहीं 5 राज्यों में जो है कहीं ना कहीं BJP की सरकार बनेगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पराली के नाम पर किसानों को बेवजह बदनाम ना किया जाए, क्योंकि और भी कई सारे कारण हैं जो कि प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।